आज हम लोग 12th क्लास के फर्स्ट लेसन के फिजिक्स का न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, यदि किसी माध्यम का परावैद्युतांक 1 इकाई हो तो माध्यम की विद्युतशीलता क्या होगी, आपको यह डिफाइन करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या क्या चीज दिया गया आता है, न्यूमेरिकल में सारे प्रॉपर्टी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो परावैद्युतांक है वो के आपका के का वैल्यू जो है वो 1 दिया गया है, अर्थात के बराबर। ठीक है, और आप जानते हैं क्या कि परावैद्युतांक जो होता है वो क्या होता है, उस माध्यम में आवेश की जो विद्युतशीलता होती है और हवा में जो विद्युतशीलता होती है उसके अनुपात को हम परावैद्युतांक कहते हैं। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि के इक्वल टू एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग और क्या कर सकते हैं, ये विद्युतशीलता हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, के इक्वल टू 1 है और आपको पता होगा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 8.85 × 10^-12 कूलोम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और आपको क्या ज्ञात करना है, तो उस माध्यम की विद्युतशीलता ज्ञात करनी है बराबर। ठीक, तो चूंकि हम जानते हैं कि के इक्वल टू जो होता है उस माध्यम की विद्युतशीलता बटा में हवा में या निर्वात में विद्युतशीलता के बराबर होता है, हमें करना क्या ज्ञात है कि उस माध्यम की विद्युतशीलता ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, देखिए एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखिए तो उस माध्यम की विद्युतशीलता जो होगी वो क्या हो जाएगी, देखिए के का वैल्यू जो है वो कितना है, 1 इकाई है, यहां पर क्या करेंगे हम लोग 1 रख देंगे। ठीक है, इनटू इसी प्रकार से यहां पर आपको दिया गया वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 8.85 × 10^-12। ठीक, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, तो गुणा कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास, 8.85 × 10^-12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। हमें इस गणना से क्या पता चला कि जब तक अगर किसी पदार्थ के परावैद्युतांक का मान बदलता नहीं है, अर्थात निर्वात या कोई धातु अगर आ जाता है, निर्वात में तो हमेशा 1 होता है, लेकिन हम जानते हैं कि भिन्न भिन्न पदार्थों का, भिन्न भिन्न माध्यमों का जो परावैद्युतांक होता है वो अलग अलग होता है, अगर परावैद्युतांक बदलेगा ठीक है तो विद्युतशीलता भी उस माध्यम में क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, अर्थात जब भी के का वैल्यू आपको क्या है, 1 है और निर्वात के सापेक्ष हम लोग निकाल रहे हैं, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, उसी के बराबर आएगा उस माध्यम की विद्युतशीलता, क्योंकि माध्यम बदल नहीं रहा है, वही है सेम, इसीलिए आपका आंसर सेम वही आएगा। तो याद रखिएगा जब भी के का वैल्यू अर्थात आपको परावैद्युतांक जब है 1 रहेगा तो आपका आंसर नहीं बदलेगा, अर्थात उसका आंसर जो होगा वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही होगा, क्योंकि माध्यम वही है, कोई दूसरा माध्यम नहीं। ठीक है, तो इसी पे हम देखते हैं माध्यम चेंज करके अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जो, यदि पानी का परावैद्युतांक 80 हो तो पानी की विद्युतशीलता क्या होगी। ठीक है, तो देखिए आपको क्या क्या दिया गया है, अर्थात आपको जो के है, ठीक है, परावैद्युतांक आपको क्या दिया गया है, वो 80। ठीक, और हम जानते हैं कि निर्वात के सापेक्ष निकालते हैं तो एप्सिलॉन नॉट आपको पता होना चाहिए, तो क्या होता है, 8.85 × 10^-12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, आप यूनिट याद रख लीजिएगा। ठीक है, और आपको पानी का निकालना है, ठीक है, विद्युतशीलता, ठीक, हम यहाँ पर वाटर भी लिख सकते थे, ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए उसमें, तो आपको ये ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं सूत्र क्या होता है, के इक्वल टू, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, उस माध्यम की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता बटा में निर्वात की विद्युतशीलता, कोई परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, तो हमको ज्ञात क्या करना है, पानी का ना, देखिए फिर से वही बनाएंगे हम लोग, पानी की विद्युतशीलता इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, के इनटू निर्वात की विद्युत, निर्वात की विद्युतशीलता यहां पर हो जाएगी। ठीक है, आप देखिए क्या करते हैं, इक्वल टू तो देखिए तो यहां पर डब्ल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि वाटर का निकाल रहे हैं, तो ठीक है, ये हो जाएगा आपका 80 मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा क्या आपका 8.85 × 10^-12 लास्ट में यूनिट लिख दिया जाएगा। चलिए, तो क्या करना है आपको, 80 में जैसे गुणा करना है, ठीक है,
तो गुणा करके आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो शायद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 708, ठीक है, और ये हो जाएगा इनटू 10 to power minus 12, ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आप लोग मिला दीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जस्ट सेकंड वाले की ही तरह है, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, सापेक्ष विद्युतशीलता दे दी गई है। देखिए फिर से बात, यदि पानी की सापेक्ष विद्युतशीलता 80 हो तो पानी की विद्युतशीलता क्या होगी, ठीक है। तो आपने देखिए यहां पर क्या है, आपने फॉर्मूला मैंने क्या आपको बताया था कि जो के इक्वल टू प्रवाहकांक के बराबर होता है क्या आपका सापेक्ष विद्युतशीलता, अर्थात एफ नॉट आर इक्वल टू एफली बटा में उस माध्यम की आपको विद्युतशीलता बटा में निर्वात में विद्युतशीलता के बराबर होती है। आपको इस फॉर्मूला का यूज करके ही आपको यह क्या है न्यूमेरिकल, आपको शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट न्यूमेरिकल जो है आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए हम डिफाइन कैसे करते हैं इसको, ठीक। सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका हम, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि सापेक्ष विद्युतशीलता अर्थात एफ नॉट आर इक्वल टू कितना दिया है आपको 80, ठीक है, और एफ नॉट हम लोग जानते हैं निर्वात की विद्युतशीलता जो होती है वो क्या होती है 8.85 पूरे 10 to power minus 12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको याद करना है क्या, वाटर का, ठीक है, तो बराबर बात कर देते हैं। तो चूंकि आप फॉर्मूला पढ़े हो क्या, के इक्वल टू सापेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है, इक्वल टू उस माध्यम की विद्युतशीलता जिसका ज्ञात करना है हमको, देखिए यहां पर तो वाटर का है और वाटर में क्या है निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। तो हमको क्या है यहां पर इस वैल्यू को लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, लेके चलते हैं क्या, एफ नॉट आर इक्वल टू उस माध्यम की विद्युतशीलता बटा में निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा कि उस माध्यम की विद्युतशीलता अर्थात वाटर, या फिर हम डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एफ नॉट आर इंटू एफ वी नॉट, जस्ट देखिए उसी की तरह आ गया आपके पास। ये क्या है, यहां पर आपको 80 दिया गया है और इसका हम लोग जानते हैं क्या होता है 8.85 पूरे 10 to power minus 12, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 708 गुणे 10 to power minus 12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल, एकदम इजी था उसी की तरह। बस आपको क्या बोला गया यहां पर कि सापेक्ष विद्युतशीलता, तो बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिएगा सापेक्ष विद्युतशीलता मतलब क्या होता है कि सापेक्ष विद्युतशीलता जो होती है वह उस माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है, ठीक है, और आप इसको डिफाइन कर सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन।